सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप वीवो फ़ोन में डेट एंड टाइम कैसे सेट करना है, कैसे आप न्यू एंड्रॉयड में डेट एंड टाइम सेट कर पाओगे। मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो टाइम आ रहा है वो ऐसे आ रहा है 21 आवर्स ऐसे कुछ। तो आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 में कैसे करना है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही जरा भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो का लाइक है मैं 40 लाइक आपने कमाने हैं। मुझे पता 100% आप और होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन दबाएं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड नए में आपको जो सेटिंग है इसकी डेट एंड टाइम की वो थोड़ी अलग है, ठीक है। तो आपको जाना है पहले सेटिंग में, सेटिंग ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा होगा सिस्टम, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखोगे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। अगर आपके पास डेट एंड टाइम यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा तो आपको करना है बैक। बैक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बार में लिखना है, सिंपली एक डेट लिखोगे। डेट लिखने के बाद सर्च करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे डेट एंड टाइम लिखा आ चुका है। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर आप देखोगे डेट एंड टाइम पर फिर आपको एक बार दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पर आप देखोगे यूज नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम, यहाँ पर इसको ऑन है, ऑन होगा आपके फ़ोन में, तो सिंपली इसको ऑफ करना है। पहले ऑफ करने के बाद जहाँ पर आपको डेट पर क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पर आपको जियो तो पहले ही आ जाएगा, जियो पहले सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर आपको देखना है कौन सा मंथ है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, एरो पे। उसके बाद जहाँ पर आपको उसको डेट सेलेक्ट कर लेनी है उसको करना है ओके। ओके करने पर जहाँ पर आप देखोगे आपका जो डेट है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखोगे टाइम आ जाएगा, टाइम जितना टाइम हुआ है वो जहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जहाँ पर आप देखोगे 9:00 अभी मैं जो है टाइम 9:30 अभी मिनट सेलेक्ट करने हैं। ओके करने के बाद जहाँ पर आपको सिंपली फिर ओके कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका जो डेट एंड टाइम है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पर बता दूँ आपको जो 24 आवर्स आ रहे हैं तो उसको चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पर आप देखोगे नीचे जूस 24 आवर्स अपॉइंटमेंट जहाँ लिखा हुआ है तो सिंपली इसके ऊपर कर देना है बंद। बंद करने के बाद जहाँ पर आप देखोगे आपका जो डेट एंड टाइम मतलब टाइम है वो 24 आवर्स में कन्वर्ट होकर 1 में चला जाएगा, 1 2, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऑटो करना है मतलब आपको यहाँ पर मैनुअल नहीं करना तो सिंपली यहाँ पर आपको जूस नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम इसको कर देना है ऑन। जब भी यहाँ पर आप इसको मतलब बंद करके ऑन करोगे सारा कुछ तो ऑटोमेटिक ये उठा लेगा नेटवर्क से, ठीक है। फॉर्मेट जहाँ से चेंज होगा तो मैं आपको सारा कुछ इसमें बता ही दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।